उत्तराखंड की इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पुरोला विधायक राजकुमार कर सकते हैं बीजेपी में घर वापसी। इससे पहले निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज दिल्ली में राजकुमार ले सकते हैं बीजेपी की सदस्यता। चुनाव नजदीक है, उससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें आपको कि राजकुमार बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं, घर वापसी उनकी हो सकती है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड की इस वक्त की बड़ी खबर, राजकुमार कर सकते हैं बीजेपी में घर वापसी। इससे पहले निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार बीजेपी में शामिल हुए थे। आज दिल्ली में राजकुमार ले सकते हैं बीजेपी की सदस्यता। मदन संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मदन, राजकुमार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये कहें कि 2022 से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने वाला है। बड़ी खबर है, और जिस तरीके से तमाम विधायक जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं, अभी निर्दलीय विधायक जो है रिजन सिंह पवार ने भी जो है बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, और वही ये बड़ी खबर सामने आ रही थी। आज जो है राजकुमार जो की कांग्रेस के सिटिंग विधायक है और अभी पुरोला विधानसभा से विधायक है, उनके जो है बीजेपी में आने की हमको सूचना मिली है। और जिस तरीके से देखा गया कि राजकुमार जो पहले ही बीजेपी के सदस्य रहे हैं, और 2012 में और 2016 में भी जो है बीजेपी में जीत है, और उसके बाद 2016 में ये कांग्रेस में आए थे। हालांकि बीजेपी ने पहले इनके साथ कई तरह की नाइंसाफी जो हुई थी उसको लेके ये नाराज हुए थे, क्योंकि 2012 में इनको टिकट नहीं दिया गया था पुरोला से, और जबकि ये संस्कृत से पहले जो है बीजेपी से विधायक रह चुके हैं बीजेपी से। लेकिन अब जो है एक बार फिर से अनिल बलूनी की कोशिश बताई जा रही है, जिसमें कि राजकुमार को आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई जा सकती है। और निश्चित रूप से बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के कुल जो है 10 विधायक अभी मौजूद है जो सिटिंग विधायक है, उसमें से अगर एक विधायक और कम हो गए तो बहुत बड़ा झटका ये हो सकता है कांग्रेस के लिए। और उत्तराखंड में कांग्रेस की जो है जनसंख्या निरंतर में कम हो। राजकुमार का बीजेपी में फिर से शामिल होने के पीछे की वजह क्या माने मदन? ये जिस तरह से देखा गया कांग्रेस में भी जो है कई तरह की गुटबाजी चल रही है, हरिदास गुट एक तरफ अलग है और प्रीतम सिंह गुट एक तरफ अलग है, तो कहीं ना कहीं अनदेखी का उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि जिस तरह की हमें सूचना मिली है तो अनिल बलूनी ने एक भरसक कोशिश की है, जिसके तहत जो है आज राजकुमार को सदस्यता दिलाई जा सकती है, और ये दिल्ली में ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो बहरहाल जो वजह सामने आई है वो कहीं ना कहीं गुटबाजी की है, जो कि निरंतर जो है देखने को मिल रही है कांग्रेस के क्षेत्र में भी। लेकिन राजकुमार का अगर बीजेपी में शामिल होना ये सही है, मतलब सत्य है, तो ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा झटका, एक बड़ा नुकसान होगा। उससे बहुत बड़ा नुकसान ये हो सकता है, पहले से ही जो है 10 की संख्या में चिमटी हुई कांग्रेस जो है, और ये एक बड़ा झटका एक और अगर लगेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस में उत्तराखंड की जो है कांग्रेस में हालत जो है निरंतर गंभीर होती जा रही है। और जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार जो है कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, हरीश रावत पुजोर कोशिश कर रहे हैं, और तो एक ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं आमना सामना जबरदस्त होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से निरंतर जो संख्या घटती जा रही है कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मदन। लेकिन अगर उत्तराखंड की सियासत की बात कर लें, जैसे ही चुनाव नजदीक आता है दल बदल की राजनीति शुरू हो जाती है, ऐसे में कांग्रेस का दावा है कि कई ऐसे बीजेपी के नेता है जो कांग्रेस के संपर्क में है, लेकिन जहां तक देखा जाए कि कांग्रेस के कई नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर दल बदल की राजनीति पर निगाहें डाली जाए तो कौन सी पार्टी में सबसे ज्यादा फूट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है नेताओं के बीच? जी देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है पिछड़ती नजर आ रही है, जिस तरीके से कांग्रेस में एक आपसी खेमे में फूट नजर आ रही है, और उनके विधायक जो है निरंतर बीजेपी के संपर्क में है, और जो कि प्रत्यक्ष को प्रमाण दिखाने की जरूरत नहीं है, उसी का जो है उस उदाहरण को चरितार्थ किया जा रहा है। कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस जिस तरीके के दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। और अभी तक कोई ऐसा बड़ा नेता जो है कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ जिसके कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है कई बड़े नेताओं को जो अपने
बात का जो दाव बता रही है वो कहीं कहीं खोखला नजर आ रहा है, और बीजेपी ने इतने ज्यादा बयानबाजी नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने जो है जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों को तोड़ रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को तो क्या जानकारी मिल रही है, क्या ये पुख्ता खबर है कि आज सदस्यता ले सकते हैं राजकुमार बीजेपी की? सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि राजकुमार जो है दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और आज जो है वहीं पे सदस्यता ले सकते हैं, और अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद जो है उनके कोशिशों से ये सार्थक हो सकता है, और अभी तक की जो खबर है वो यही है कि आज जो है सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं विधायक राजकुमार। लेकिन देखिए मदन, जब राजकुमार ने बीजेपी छोड़ा था तो बीजेपी में कई खामियां गिनाई थी, अब कांग्रेस छोड़ने तो कांग्रेस में क्या खामियां गिना रहे हैं राजकुमार जी? खासतौर पे अगर बात करें तो अनदेखी का उन्होंने अनदेखी की बात कही, और जिस तरह से गुटबाजी चल रही है तो कांग्रेस में एक दो धड़े भरे हुए हैं जिसको लेकर की तमाम विधायक नाराज भी हैं, और कोशिश करने के बावजूद भी वो सम्मिलित नहीं हो पा रहे, एकत्रित नहीं हो पा रहे, तो उसकी यही वजह है कि राजकुमार विधायक को भी जो है दोनों तरफ के पड़ने में फंसे नजर आ रहे थे, जिसलिए उन्होंने किनारा करना ही उचित समझा, और यही सूत्र के हवाले से हमें खबर मिली है जी। शुक्रिया मदन तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है, बीजेपी में शामिल हुए हैं, और ऐसे में अब देखना है कि किस तरीके की दलमदल की राजनीति उत्तराखंड में देखने को